नमस्कार फ्रेंड्स, क्रिशियल्स ग्रीन लाइफ पे आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफेनबेकिया के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि इसको कैसे ग्रो करना है, इस प्लांट की बेनिफिट्स क्या है, क्या ये सच में ह्यूमंस और पेट्स को मार सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इसके बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन का जानकारी दे देती हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये लग सकता है कि प्लांट्स के ग्रो करने के लिए हमें उनके फैमिली, नेटिव एरिया, ये सब जानने का क्या फ़ायदा है। बट फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्लांट्स के बारे में, उसके फैमिली या नेटिव एरिया के बारे में जान लेंगे, तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उस प्लांट को आपको कौन सी कंडीशन में ग्रो करना चाहिए। नाउ कम टू द प्लांट, मेरे पास ये 3-4 डिफरेंट वैरायटी का डिफेनबेकिया है। तो ये मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़, अर्जेंटीना का नेटिव प्लांट है फ्रेंड्स, और ये इसका फैमिली एरेसियाई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक एरोइड फैमिली से बिलोंग करता है, ये एक एरोइड प्लांट है। फ्लोरिडा फोलिएज एसोसिएशन ने कहा है कि इसका जो न्यू हाइब्रिड स्पीसीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर और कॉम्पैक्ट एंड शॉर्टर साइज का है रादर देन ओल्ड वैराइटीज से। फ्रेंड्स, इनिशियली मैं खुद भी इसको एग्लोनिमा से मिला देती थी, लेकिन इसमें और एग्लोनिमा में जो डिफरेंस है, दैट इज़ इसका स्टेम ज़्यादा मोटा है एग्लोनिमा से, और साथ ही साथ इसका लीफ वाइड होता है और ज़्यादा थिक होता है एग्लोनिमा के कंपैरिजन में। और उसके साथ जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिफेनबेकिया का होता है, दैट इज़ इसमें रिंग होता है इसके स्टेम में और नोड आई भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इसके मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो कि है, कोई कोई इसको कहते हैं कि ये प्लांट एक डेंजरियस प्लांट है जो कि आपके पेट्स और आपको मार सकता है। जबकि सच्चाई ये है कि डिफेनबेकिया टॉक्सिक तो है, बट इतना ज़्यादा पॉइजनस नहीं है कि ये आपके प्लांट आपको या फिर आपके पेट्स को मार दे। दरअसल इस प्लांट में कैल्शियम ऑक्सलेट के शार्प क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि जब स्किन के साथ एब्रेशन होते हैं तब इरिटेशन स्टार्ट होता है। ये बात फिलाडेल्फिया चाइल्ड हॉस्पिटल की तरफ से डिस्क्राइब किया हुआ है। कहीं किसी ने एक पोस्ट किया था कि इस प्लांट की वजह से 1 मिनट के अंदर उसका बेटा हैज़ डाइड, बट फ्रेंड्स बाद में पता चला दैट पोस्ट वॉज फेक पोस्ट। तो फ्रेंड्स, 8 क्रोनोज़ेलोक, मैं उनका नेम स्क्रीन पे दे दूंगी, जो कि पीटर्सबर्ग मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी के फार्माकोलॉजी का एक इमेरिटस अध्यक्ष है, साथ ही पीटर्सबर्ग पॉइजन सेंटर के एक फॉर्मर डायरेक्टर भी है, उन्होंने ये रिसर्च करके बताया है कि ये प्लांट डेंजरियस नहीं है। इनको काटने से जो सैप निकलता है उसको खा लेने से आपके मुंह पे एक पेनफुल इरिटेशन होगा और साथ ही साथ कुछ देर के लिए आपका आवाज चला जाएगा। इसके कारण जो है, ये जिस वजह से होता है, वो दरअसल ये है कि इसका जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो डिफेनबेकिया में राफाइड नाम का एक माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल तैयार करता है, जो कि हमारे माउथ और आँख में आने से एक पेनफुल इरिटेशन देती है। मैं इस बात को लेकर एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि डिफेनबेकिया से जो इरिटेशन होता है वो उसके बारे में 1st सेंचुरी से ही लोग सबको सतर्क करते थे। बाद में जमैकन स्लेव ट्रेडर्स के लोग एज अ पनिशमेंट के तौर पे इसका सैप को उनके स्लेव को उस स्लेव के होठों पे ज़बरदस्ती से दे देते थे, और वही वजह से इसका नाम डमकेन रखा गया। चलिए अब इसके केयर के बारे में बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इसके सॉइल मिक्स को लेकर। इसके लिए सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सॉगी सॉइल इसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप चाहे तो आप मेरी तरह 25% गार्डन सॉइल, 25% रिवर सैंड, 25% परलाइट एंड 25% वर्मी कंपोस्ट देके आपका सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। इसके रैपिड एंड बेस्ट ग्रोथ के लिए
इनके ग्रोइंग पीरियड में एवरी 15 डेज के इंटरवल में इसको फर्टिलाइज़र दे। आप कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मैं इसको वन टाइम सीवीड लिक्विड देती हूँ, अनदर टाइम एवरी 15 डेज के इंटरवल में अनदर टाइम NPK 19:19:19 देती हूँ। फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं गार्डनिंग के लिए जो सारे इन्ग्रीडियंट्स यूज़ करती हूँ, फर्टिलाइज़र, सॉइल मिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहे तो उस लिंक से परचेज कर सकते हैं। वैसे तो इसको लो लाइट में भी आप रख सकते हैं, बट इसकी बेस्ट ग्रोथ के लिए इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट प्रोवाइड करें। 65-75 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ बेस्ट फॉर इस ऑफ डिफेनबेकिया के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। अब आते हैं वाटरिंग पे। इसके ग्रोइंग सीजन में आप इस डिफेनबेकिया को ड्राई ना होने दें, रेगुलर वाटरिंग करें, बट पॉट के ड्रेनेज होल को अच्छे से चेक कर लें, नहीं तो वाटर स्टोर होकर रूट रॉट होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि ये एरेसिया फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए ये तो आपको पता अंदाज़ा लग ही गया होगा कि ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। 60% के ऊपर ह्यूमिडिटी लेवल इसके लिए बेस्ट है, पर क्योंकि ये एक हार्डी वैरायटी का प्लांट है, इसलिए ये मिनिमम 40% ह्यूमिडिटी लेवल में भी अच्छे से ग्रो होता है। फ्रेंड्स, प्रोपोगेशन की अगर बात करें तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। ये जुलाई के 13 तारीख को मैंने इसका प्रोपोगेशन किया था। इन दोनों का, ये रिफ्लेक्टर है और ये वाला डिफेनबेकिया, इन दोनों का मैंने स्टेम कटिंग से प्रोपोगेशन किया है। मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ इसका प्रोपोगेशन का प्रोसेस शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने डिफेनबेकिया के ये रिफ्लेक्टर को काट लिया है, इसके स्टेम को। ये नीचे वाला पार्ट है, देखिए इसमें से सैप निकल रहा है। तो ये नीचे वाला पार्ट का, ये मिडिल वाला पार्ट है और ये अपर वाला पार्ट है। मैंने इनको ऐसे रखा है ताकि कौन सा ऊपर का हिस्सा है और कौन सा नीचे का हिस्सा है वो मुझे याद रहे, नहीं तो अगर मैं इसको गलती से ऊपर वाला हिस्से को नीचे दबा देने से प्लांट ख़राब हो जाएगा फ्रेंड। इसलिए अभी मैं इन तीनों कटिंग को पॉट में लगा दूँगी और इसका अपडेट आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये अभी जो आप देख पा रहे हैं, ये मेरा कटिंग से प्रोपोगेशन के बाद का पार्ट है। तो ये देखिए, मैं पहले इस प्लांट से दिखाती हूँ। ये इसका जो कटिंग मैंने लगाया था, इसमें ये टॉप वाला हिस्सा है जिसमें तो बहुत अच्छे से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्रो भी हो गया है। और दूसरा ये मिडिल वाला एक स्टेम है जिससे ये वाला शूट निकला है, और ये बीच से एक छोटा सा न्यू शूट निकल रहा है, और ये वाले का ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। तो इस प्लांट का सारे कटिंग ही अच्छे से चल गया है। अभी ये जो रिफ्लेक्टर का है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा मुझे फ्रेंड्स, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये मिडिल वाला पोर्शन ये गल गया है, और ये टॉप वाला जो पोर्शन है इसका देखिए, ये पता नहीं क्यों इसका न्यू ग्रोथ अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं देखूंगी और कुछ दिन। और ये नीचे वाला हिस्से का है, नीचे वाले हिस्से में न्यू ग्रोथ हो गया है, और इसमें मैं सारी कटिंग के ऊपर ये साफ फंजीसाइड लगा दिया था क्योंकि वो मैंने बरसात में प्रोपोगेट किया था ना। और ये जो दूसरे तरीके से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से छोटा छोटा न्यू शूट निकला है। मैंने आपको स्क्रीन पे जो प्लांट दिख रहा है वो शूट प्रोपोगेशन से ही किया है मैंने। और दूसरा एक तरीका ये देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक मिनट कैमरा को नीचे करके दिखाती हूँ। ये देखिए एरियल रूट है यहाँ पर, तो ऐसे जगह पे अगर आप कट करके इसको लगा देंगे तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। डिफेनबेकिया का ये वाला वैरायटी बहुत कॉमन है मेरे यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको ग्रो करने के लिए जो प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिला है, दैट इज़ ये इसमें आपको तो मैंने दिखाया ही है, थोड़ा सा रूट रॉट स्टेम रॉटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इसको वाटरिंग बहुत ध्यान से करिएगा, और पॉट का ड्रेनेज होल का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो ये रूट रॉट बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें पेस्ट अटैक की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, मुझे तो कोई पेस्ट अटैक दिखाई नहीं दिया है। मैं इस प्लांट को बहुत दिनों से ग्रो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर क्योंकि ये हाउस प्लांट है, और अगर आप दूसरे किसी प्लांट के ऊपर नीम ऑयल स्प्रे कर रहे हैं तो उस वक्त आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे कर दें।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। मैंने डिफेनबेकिया के बारे में जितना जानकारी हो सके, उसके केयर के बारे में, उसको लेकर जो सारे कन्फ्यूशन्स लोगों के बीच रहते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर कुछ और आप लोग जानना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए देन प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन टू एनकरेज मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, stay healthy, stay safe.